बिल्ली, वो जीव जिसे भारत के इतिहास में सदा ही हीन भावना से देखा गया है, अगर वो रास्ते से गुजर जाए तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाय हाय, बड़ा अपशकुन हो गया। यदि उसे घर में पाला जाए तो बाप रे बाप, इतना मनहूस जानवर, अपने मालिक का बुरा चाहने वाला। परंतु मेरा अनुभव तो कुछ और ही है। बहुत समय पहले की बात है, किसी ने बिल्ली के एक छोटे से बच्चे को लाकर मेरे दरवाजे के बाहर रख दिया। तब मैं स्कूल जाया करती थी, लेकिन उस मासूम बच्चे को देखकर मैंने उसे पालने का सोच लिया और उसका नाम रख दिया गोलू। मैं उसको बहुत प्यार करती थी और वह मुझको। मैंने उसे हर चीज़ सिखा दी थी, जिससे कि वह घर में कोई गंदगी नहीं करता था। वह एक वफादार कुत्ते के समान प्रतिक्रियाएं करता था, जिससे परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे, उसके लिए भोजन आदि हर चीज़ का प्रबंध करते थे। फिर एक दिन गोलू दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखें पथराई हुई थी, शरीर में छाले दिखाई दे रहे थे। मुझे चिंता होने लगी और मैं उसे अपने पिताजी के साथ जानवरों के अस्पताल ले गई, परंतु उसकी स्थिति में कोई सुधार ना था और उसके जीवन का अंतिम दिन आ गया। जब मैं पढ़ाई करके घर वापस आई तो वह अधमरी हालत में था, सिर्फ प्राण नहीं निकले थे जो शायद मेरी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया, उसने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार गोलू को पाल कर मुझे ज्ञात हुआ कि बिल्लियों को मनहूस समझना पूरी तरह से एक भ्रम है।